पिछले वीडियो में मैंने आपको स्वर बना सकते हैं कविता की कुछ पंक्तियां समझाई थी। यह कविता रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा लिखी गई है। तो पिछले वीडियो में हमने आपको चार अलग अलग अवतरण के अर्थ समझाए। अब हम उसके आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुज मनुज का यह सुख भाव नहीं समूह होगा, शमित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं होगा। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि जब भीष्म पितामह जो है युधिष्ठिर को यानी धर्मराज को जब वो उपदेश देते हैं तो उपदेश देते हुए वे कहते हैं कि जब तक इस संसार में मनुज मनुज अर्थात मनुष्य का यह सुख भाव नहीं सम होगा। सब होने का मतलब होता है मतलब समान, ठीक है, समान। तो वो कहते हैं कि जब तक इस धरती पर सबके सुख का भाव समान नहीं होगा, अर्थात सभी इस धरती पर समान सुख प्राप्त नहीं होंगे, तब तक शमित ना होगा कोलाहल। तब तक कोलाहल अर्थात शोक, क्या कहते हैं कोलाहल को, शोक। तो तब तक जो है कोलाहल जो है यानी कि जो धरती पर एक दूसरी चीज को पाने की जो होड़ है वो कभी कम नहीं होगी, ठीक है। तो फिर से देखिए, कवि कहते हैं कि जब तक इस संसार में मनुष्य, ठीक है, मनुष्य का यह सुख भाव और मनुष्य का जो सुख का भाग है, जो उन्हें सुख प्राप्त करने का अधिकार है, वो जब तक समान नहीं होगा, इस संसार में जो है सदैव कोलाहल हमेशा यानी शोर बना रहेगा। किस चीज के लिए? अपने भाव के सुख को प्राप्त करने के लिए मनुष्य जो है क्या है, हमेशा अशांत रहेगा और उसके लिए निरंतर प्रयास करता रहेगा। संघर्ष नहीं कम, संघर्ष मतलब उस सुख को पाने के लिए मनुष्य जो है जिंदगी भर यानी जीवन पर्यंत वो संघर्ष करता रहेगा, और जब तक वो संघर्ष करेगा तब तक जो है वो शोर शांत नहीं होगा। उसे भूल व फंसा परस्पर की शंका में भरने लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय। तो कहते हैं कि वही दूसरी ओर जो स्वार्थी मनुष्य है वो जो है सब कुछ भूल कर वह फंसा परस्पर की शंका में है। तो जो स्वार्थी लोग हैं वो इस शंका में अर्थात संदेह में, ठीक है, और भय में, डर में जीते हैं कि मतलब मेरे हिस्से का सुख किसी और के हिस्से में ना चला जाए, मतलब मेरे हिस्से का जो सुख है वो किसी और में। हम जितना बटोर सकते हैं, हम मनुष्यों के कह सकते हैं कि ये आदत है कि हम जितना बटोर सकते हैं उससे जो हमारे हिस्से का हम बटोर सकते हैं उससे जो हमारे हिस्से का हम उससे कहीं ज्यादा बटोरना चाहते हैं। तो वही मनुष्य के उस आदत को वो बखान करते हुए वर्णन करते हुए कहते हैं कि सब कुछ भूल कर मनुष्य है वो फंसा परस्पर की शंका में है। तो वो सब कुछ भूल करके कि वो उसी आशंका में उसी डर में अपने आप को फंसा देता है और लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय कर भोग संचय कर। तो कवि कहते हैं कि और मनुष्य डर में तो सब कुछ भूल ही जाता है और वो सिर्फ अपने मतलब स्वयं को खुश करने के लिए या सर मैं और मेरा सबको इसे संतुष्ट करने में वो जो है भोग संचय करने में ही सदैव लगा रहता है। भोग संचय करना मतलब दुनिया भर की जो विलासिताएं हैं, जो ऐश आराम है, जो सुख है, सबको सिर्फ खुद के लिए, वो दूसरों के बारे में सोचना छोड़ देता है कि हाँ मुझे दूसरों की भी मदद करनी है या मेरे ऐसा करने से क्या दूसरों को प्राप्त होगा या नहीं, वो ये सब के बारे में सोचना छोड़ देता है और सिर्फ उसे अपना सुख दिखाई देता है। मनुष्य जो है स्वार्थी बन जाता है, उसके लिए कहते हैं कि इसलिए मनुष्य केवल अपने और भोग संचय लगा हुआ केवल अपने, क्योंकि वो सब कुछ सारे सुख स्वयं ही प्राप्त कर लेना चाहता है, इसलिए वो कहते हैं कि वो मनुष्य जो है अपने में ही सारे भोग संचय करते हैं। भोग संचय संचय करना मतलब होता है इकट्ठा करना, वो मतलब दुनिया भर की जो विलासिताएं हैं, जो ऐश आराम है, उन सभी को इकट्ठा करने में लग जाता है। अब कहते हैं अगली लाइन, प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण धरती पर, भोग सके जो उन्हीं जगत में कहां अभी इतने हैं। तो इन पंक्तियों में कवि कहते हैं कि प्रभु का जो दिया हुआ सब कुछ की धरती पर जो है वो मनुष्यों के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, ठीक है। जो सुख साधन हमें धरती पर मिले हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे वो भौतिक हो, वो सब कुछ क्या है, मनुष्यों के लिए पर्याप्त है। परंतु मनुष्य प्रभु के जो दिए हुए सुख है, जैसे सांसारिक सुख हो गए या और प्राकृतिक सुख हो, वो सभी कुछ मनुष्य के लिए समान है विकीर्ण धरती पर, मतलब बहुत अधिक भोग सके जो उन्हें जगत में कहां अभी इतने हैं। तो वही कहते हैं कि इस धरती पर
समान रूप से सभी को अधिकार मिले हैं कि इस कदर प्रभु ने सबको मतलब ईश्वर ने जो है मनुष्यों को पूरी क्या कह सकते धरती का जो सुख दिया हुआ है। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि इतने नर जो है मतलब इतने मनुष्य इस धरती पर पैदा नहीं हुए जो उस सुख को कम कर सके। अर्थात यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़कर यदि दूसरों के बारे में सोचे और सिर्फ अपनी जरूरत के अनुसार अपने सुखों को प्राप्त करे तो अभी इस धरती पर हर एक मनुष्य को उसके सुख समान सुख का अधिकार उन्हें मिल जाएगा और हर मनुष्य जो है अपने सुख को बराबरी से जरूरत के अनुसार अपने सुखों को प्राप्त करे तो अभी इस धरती पर हर एक मनुष्य को उसके सुख समान सुख का अधिकार उन्हें मिल जाएगा और हर मनुष्य जो है अपने सुख को बराबरी से प्राप्त कर सकता है या वो प्राप्त कर सकता है। इसलिए कहते हैं कि भोग सके उन्हें जगत में कहां अभी इतने कि इतने सुख भगवान ने दिए हैं कि उस सुख के सामने इस संसार में रहने वाले मनुष्य का कहने का तात्पर्य यह है कि इस धरती के सुख को जो है भोगने के लिए इस संसार में नर ही कम है क्योंकि ईश्वर ने इतनी बड़ी सृष्टि की और इस सृष्टि में इतने सारे सुख दिए हैं प्राकृतिक भौतिक सब सुखों की बात करते हुए कहते हैं कि इतने सुख के कारण जो है क्या है उसे भोगने के लिए नर ही अभी इतने नहीं है। अर्थात कहने का मतलब यदि मनुष्य अपने स्वार्थ को छोड़ दे तो वो अधिक से अधिक दूसरों के बारे में सोचेगा तो हर व्यक्ति को समान रूप से अधिकार मिलेगा और इससे जो है धरती का जो सुख है वो बराबर हो जाएगा। अब कहते हैं कि सब हर सकते तुष्ट एक साथ सब सुख पा सकते हैं चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सब हो सकते तुष्ट एक साथ, तुष्ट मतलब होता है संतुष्ट होना, ठीक है। तो कवि कहते हैं कि मनुष्य जो है इस धरती पर सभी समान रूप से संतुष्टि पा सकते हैं। किस प्रकार? जब हर व्यक्ति अपने स्वार्थ को छोड़कर दूसरों के बारे में सोचेगा तो इस प्रकार क्या होगा कि वो सिर्फ अपने जरूरत के हिसाब से अपने सुखों को प्राप्त करेगा और बाकी हर व्यक्ति जो है जिसे जितनी सुख की आवश्यकता है ऐश्वर्य की आवश्यकता है वो उस हिसाब से उसे भोग करेगा उसे संचय करेगा। तो इस प्रकार जो है सबको समान अधिकार मिल सकते हैं। तो जब सबको समान अधिकार मिल जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खुशियां अपने आप ही जो है समान सुख सबको मिल जाएंगे। तो इसलिए कहते हैं कि सबको सत्य तुष्ट एक साथ यानी कि सभी एक प्रकार से संतुष्ट हो सकते हैं। कब सभी सुख पा सकते हैं? कब? जब व्यक्ति निस्वार्थ भाव से अपने सुखों को लेकर सिर्फ अपने हिस्से को सुखों को लेकर बाकी सुख औरों के लिए जिन्हें प्राप्त नहीं हो पा रहा है उनके लिए छोड़ देगा चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग ला सकते हैं। तो इस प्रकार जब हर व्यक्ति इस संसार में सुखी रहने लगेगा जब वो अपने हिस्से का उसे सब कुछ मुक्त समी हवा प्रकाश और उनको अपने अधिकार जब मिल जाएंगे मनुष्य को समान अधिकार मिल जाएंगे तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं एक पल धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि धरती पर भी वो सारे सुख प्राप्त हो सकते हैं जो कि स्वर्ग में होते हैं और स्वतः ही अपने आप ये धरती स्वर्ग बन जाएगी। थैंक यू।